आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील इफ स्टील डायमीटर 16 mm एंड स्टील लेंथ 12 मीटर। अगर हमें एक स्टील की डायमीटर दे रखी है 16 mm और स्टील की लेंथ दे रखी है 12 मीटर, तो इसका वेट हमें कैसे कैलकुलेट करना है इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है डी स्क्वायर बाई 162.2 इंटू एल के जी पर मीटर। डी हमारा है डायमीटर ऑफ स्टील, एल है स्टील की लेंथ। अब डी हमें गिवन है 16 mm और L हमें गिवन है 12 मीटर। अब इन दोनों वैल्यू का हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो 16 को रखेंगे हम D के जगह तो हमारा हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर, L के जगह हम रखेंगे 12। अब हमारा नीचे वाली वैल्यू को सेम रखेंगे 162.2। अब हमारा 16 का होल स्क्वायर होता है 256, 12 को हम रखेंगे सेम डिवाइड में नीचे वाली वैल्यू को सेम 162.2। अब हम करेंगे 256 को इंटू 12 से तो हमारा आएगा 3072 और नीचे वैल्यू को सेम 162.2। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 18.9। अब हमारे पास अगर एक स्टील है जिसकी डायमीटर 16 mm है और लेंथ है 12 मीटर, तो उसका वेट होगा 18.9 kg। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।